सबसे पहले तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां पर आपको हर भर्ती की न्यूज़ देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज 10 दिसंबर 2023 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। राजस्थान पत्रिका कैरियर की उड़ान, नई भर्तियां आवेदन प्रक्रिया शुरू। आज का इतिहास, 10 दिसंबर की महत्वपूर्ण घटनाएं। राजस्थान का नया मुख्यमंत्री आज तय होगा, दिया कुमारी वसुंधरा राजे और अन्य पर्यवेक्षक नियुक्त होने के बाद नड्डा से मिले राजनाथ। प्रदेश अध्यक्ष जोशी ने भी की मुलाकात। आज राजस्थान के नए मुख्यमंत्री की घोषणा संभव, किरोड़ी मीणावी रेस में। पिछली बीजेपी सरकार और पिछली कांग्रेस सरकार दोनों का मुकाबला, किसने कितनी भर्तियां शिक्षा विभाग में निकाली थी। बीजेपी 2013 2018 और कांग्रेस 2018 से 2023 रीट में। बीजेपी ने दो भर्तियां निकाली रीट की, 15,000 प्लस 54,000, टोटल 69,000 पदों पर। कांग्रेस सरकार ने पहले 15,000, उसके बाद पेपर आउट हुआ लेवल टू का, फिर 48,000। तो इस तरह बीजेपी ने 69,000 और कांग्रेस ने 5 साल में 63,000 पदों पर रीट भर्ती निकाली थी, यानी बीजेपी 6,000 पदों से आगे। सेकेंड ग्रेड की बात करें तो बीजेपी अपने कार्यकाल में 9,500 प्लस 8,480, करीब 18,000 पदों पर 5 साल में सेकेंड ग्रेड निकाली। इधर कांग्रेस सरकार ने 8,350 पदों पर सेकेंड ग्रेड निकाली। फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो बीजेपी ने 13,000 प्लस 5,000, टोटल 18,000 पदों पर फर्स्ट ग्रेड निकाली। कांग्रेस ने 6,000 पदों पर फर्स्ट ग्रेड निकाली। अब नई फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड की उम्मीद, नई भर्तियां 2024। शिक्षक भर्ती चयनित अभ्यर्थियों को 14 तक देने होंगे संभाग आवंटन के विकल्प, स्वीकार रीट शिक्षक भर्ती और सेकेंड ग्रेड भर्ती। अब नई सरकार से लैपटॉप, साइकिल तथा थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादलों की उम्मीद। कांग्रेस सरकार ने 5 साल निकाल दिए स्थानांतरण नीति बनाने में, यह समस्या भी समाधान के इंतजार में। विभिन्न संवर्गों की पिछले 3 सत्र से रुकी हुई पदोन्नति, जिसमें थर्ड ग्रेड से सेकेंड ग्रेड 20,000 पदों पर डीपीसी, सेकेंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड डीपीसी बकाया। माध्यमिक शिक्षा में स्टाफिंग पैटर्न, थर्ड ग्रेड शिक्षकों की स्थानांतरण नीति, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति, निःशुल्क साइकिल वितरण योजना में पिछले 2 सत्र से बकाया साइकिल, 85,000 आवेदनों पर नहीं किया गौर, थर्ड ग्रेड। सरकार बदलने पर प्रदेश के करीब 2 लाख थर्ड ग्रेड शिक्षकों में जगी तबादलों की उम्मीद। 5 साल से नहीं हुए जिलों में 7,600 से ज्यादा शिक्षकों के तबादले, अजमेर। राजस्थान संगणक भर्ती के लिए ग्रेजुएट होगी जरूरी, नवज्योति न्यूज। महज 4 महीने शेष, लेकिन शिक्षा विभाग ने अब तक शुरू नहीं किया परीक्षा फॉर्म भरवाने का काम। नए जिलों में अभी तक डाइट नहीं, कौन कराएगा 8वीं 5वीं बोर्ड परीक्षा, भरतपुर। प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में किया गया 9 बैग डे पर लैब डे का आयोजन, जयपुर। केंद्र छात्रवृत्ति योजना ऑनलाइन आवेदन, 31 दिसंबर तक राजस्थान बोर्ड के टॉप 20% की श्रेणी वाले छात्र कर सकेंगे आवेदन। विभाग का दावा, लैब डे मनाया, हकीकत जिले के 500 प्लस सरकारी स्कूल में साइंस लैब ही नहीं, गंगानगर। 7 विश्वविद्यालयों से बीपीएड के अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगी नियुक्ति, राज्य के 4 विश्वविद्यालय भी शामिल, राजस्थान पत्रिका न्यूज। बीकानेर शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती 2022 मामला। नौकरी पर संकट, जोधपुर की जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय बीपीएड कर पीटीआई
2022 भर्ती परीक्षा क्लियर करने वालों को नहीं मिलेगी नौकरी। क्लेट संशोधित आंसर की जारी, आज जारी होगा परिणाम। एक सवाल के जवाब में बदलाव, दो सवाल हटे 118 अंकों में से मार्किंग। जोधपुर हालात, शिक्षा विभाग के सारे दावे खोखले, कोर्स भी अधूरा, अर्धवार्षिक परीक्षाएं सिर पर, शिक्षकों के 2904 पद खाली, ग्रामीण क्षेत्रों में सीनियर स्टूडेंट्स पढ़ा रहे हैं जूनियर को। चित्तौड़गढ़ जिले में कुल 1773 सरकारी स्कूल है। प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग में सभी श्रेणी के शिक्षकों के कुल 12543 पद स्वीकृत तथा वर्तमान में 2940 पद खाली। सबसे अधिक माध्यमिक शिक्षा में यानी करीब 2300 पद खाली, जिसमें खासकर फर्स्ट ग्रेड प्रिंसिपल के हैं। लेबड़े जिले के 650 से ज्यादा स्कूलों में ओपन प्रैक्टिकल कराए, उपकरणों को भी परखा गया। अजमेर जिला पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती इंटरव्यू का तीसरा चरण शुरू, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। शिक्षा विभाग के निर्देश, पीटीआई भर्ती में इन विश्वविद्यालय के दस्तावेज मान्य नहीं। मान्यता से पहले निजी कॉलेज ने बांटी बीपीएड डिग्रियां। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय समेत 7 विश्वविद्यालय ब्लैकलिस्ट, उदयपुर। अर्धवार्षिक परीक्षा कल से, 610 स्कूलों के 90,000 विद्यार्थी देंगे परीक्षा। भीलवाड़ा अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ 70,000 बच्चों की पढ़ाई भी होगी। एक सवाल के जवाब में बदलाव, दो सवाल हटे। फॉरेस्ट गार्ड की अगले सप्ताह नियुक्तियां, 3 महीने होगी ट्रेनिंग। कोटा शिक्षा विभाग करवाएगा निजी स्कूलों के घोटालों की जांच, रिपोर्ट मंगवाई। चिकित्सा विभाग की भर्ती में दस्तावेज सत्यापन के लिए हर जिले में आएगी टीम, जोधपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे ने 1785 पदों पर निकाली अप्रेंटिस की भर्ती। रेलवे भर्ती सेल दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता क्षेत्र 2023, ऐसे करे अप्लाई, कौन कर सकता है आवेदन। असिस्टेंट इंजीनियर के 120 पदों पर भर्ती। एक सौ दो जूनियर असिस्टेंट सह टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर पदों पर भर्तियां। इग्नू भर्ती प्रक्रिया 2023 की महत्वपूर्ण तिथियां। JEE मेन जनवरी में कई स्टूडेंट्स नहीं हो सकेंगे शामिल।